ब्रह्मांड पुराण में सगर उपाख्यान में श्री विशिष्ट महामुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से विद्वान भृगु बहुत से जनपदों का अवलोकन करते हुए वे धर्मात्मा राम अकृत वरन से समन्वित होकर समागत हो गए थे। मार्ग में जहां पर भी क्षत्रिय मिले थे वे सब उन परशुराम को देखकर छिप गए थे, क्योंकि मार्ग में राम गमन करते हुए उन्हें दिखलाई पड़े थे और वे बिचारे अपने प्राणों की रक्षा में प्रायण होकर इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे। हे राजेंद्र, इसके पश्चात परशुराम अपने पिता के आश्रम में पहुंच गए थे, जो आश्रम परम शांत जीवों से घिरा हुआ था और जिसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उस आश्रम में स्वभाव जनित वैर भाव भी नाम मात्र को भी नहीं था और प्रसर में निसर्ग शत्रु जी भी जैसे सिंह और मृग तथा गो सर्प पारजार और मूषक सब मिले जुले एक साथ संचरण करते थे और अपने स्वाभाविक शत्रुओं का भी भय दूर करके त्याग दिया था। हे महीपते, जिस आश्रम में निरंतर अग्निहोत्र के होते रहने से समुत्पन्न हुए धुएं को देखकर ही मेघ आवरण की भ्रांति से अर्थात घने धूम के द्वारा सम आवृत अंतरिक्ष को मेघाच्छन्न समझकर म्यूर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और अपने चित्र विचित्र पिच्छों को कैसे फैलाकर नृत्य कर रहे थे। जहां पर सायकाल के समय में द्विजगण सूर्य देव के सम्मुख में जल की अक्रजलियों का प्रक्षेप कर रहे थे, जिस जल से सारी भूमि आविल हो गई थी अर्थात भीग कर मटमैले रंग की हो रही थी, जहां पर अध्ययनशील बटु ब्रह्मचारियों के द्वारा नित्य ही वेद शास्त्रों और संहिताओं का अभ्यास किया जाता था, वे सभी छात्र परम अधिक हर्ष से समन्वित तथा ब्रह्मचर्य व्रत में सम उपस्थित रहा करते थे। इसके नंतर उस परम पुनीत आश्रम की अनिर्वचनीय विशाल विभूति का अवलोकन करने से प्रसन्न आत्मा वाले राम ने, हे राजन, अपने पालित अकृत वरण के सहित मंद गति से उस आश्रम में प्रवेश किया था। जैसे ही राम ने भीतर अपना पदार्पण किया था वैसे ही उनका दर्शन करके वहां पर स्थित द्विजों के बालकों ने जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियों का प्रचार उच्चारण किया था और विप्रों के द्वारा भार्गवेंद्र राम का बड़ा ही अधिक सम्मान सत्कार किया गया था। इस रीति से अपने स्वागत समांतर को देखते हुए राम को परम अधिक हर्ष हुआ था। उस आश्रम के अंदर अपने गृह में जब राम ने प्रवेश किया था तो वहां पर परशुराम जी ने तपस्या के परम निधि अपने पिता श्री जमदग्नि महामुनि का दर्शन किया था। वे जमदग्नि मुनि साक्षात अपने पूर्व पुरुष भृगु मुनि के समान वहां पर विराजमान थे, जो अपने तपोबल से विग्रह अनुग्रह करने की विशाल सामर्थ्य धारण करने वाले थे। उनके सिर में पहुंचकर राम ने उनके चरण कमलों के निकट में अपने आठों अंगों से भूमि का आलिंगन करते हुए गिर गए थे अर्थात भूमि पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया था। हे भूपते, परशुराम ने प्रणिपात करते हुए, मैं आपका दास अनुदास राम हूँ, आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है, ऐसा मुख से उच्चारण करते हुए उन सज्जनों में प्रमुख राम ने प्रणाम करने की विधि से के साथ ही पिता श्री के दोनों चरणों का ग्रहण किया था। इसके अनंतर उन्होंने अपनी माता श्री के चरणों को कर बद्ध होते हुए अभिवादन किया था, फिर परम प्रणत होकर उन दोनों माता पिता के अति हर्ष का कारण स्वरूप वाक्य कहा था। राम ने कहा, हे पिताजी, आपके परम दुर्साध तप के प्रभाव से ही मैंने बड़े बलवान कार्तवीर राजा का पुत्रों सैनिकों और वाहनों के सहित हनन कर दिया है। इस निवेदन का तात्पर्य यही है कि उस इतने बलशाली शत्रु के निपातन करने में मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपके ही तप का प्रभाव है जिससे मेरे द्वारा ये दुष्ट मारा गया है। ये वही अधम राजा था जिसने अपने परम दुष्ट मंत्र की प्रेरणा से प्रेरित होकर आपका महान अपराध किया था। उस अपराध का दंड मेरे द्वारा उसको दे दिया गया है। हे मुनियों में परम श्रेष्ठ, मैंने बलपूर्वक उसको दंडित किया है। मैंने जिस रीति से अब तक जो कुछ भी किया है उसका पूर्ण विवरण क्रम के अनुसार मैं आपकी सन्निधि में निवेदित करता हूँ। मैंने आपको नमस्कार करके सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के शिव में गमन किया था, क्योंकि समस्त सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई है, अतः उनको उनके निपातन से कुछ बुरा प्रतीत ना हो उनकी आज्ञा प्राप्त करना न्यायोचित एवं आवश्यक था। मैंने वहां जाकर उनको विधि के साथ प्रणिपात किया था और अपना
संकल्पित कार्य उनसे निवेदित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने आरंभ से लेकर संपूर्ण वृतांत सुना था और मुझसे कहा था, समस्त क्षत्रिगण भगवान शिव के परम भक्त हैं, अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए सनातन शिव लोक में जाना चाहिए। हे तात, पितामह के इस वचन का श्रवण करके ब्रह्मा जी को नमस्कार करके भगवान शिव के दर्शन की आकांक्षा से फिर मैं शिव जी के लोक में गया था। हे भगवान, यहाँ पर शिवलोक में प्रवेश करके उमा देवी के सहित भगवान शिव को नमस्कार किया था। भगवान शिव तो ऐसे देव हैं जो सबके लिए वांछित अर्थ का प्रदान कर दिया करते हैं। उन प्रभु के सामने मैंने अपना पूरा वृतांत आवेदित कर दिया था, जो भी उनकी सेवा में निवेदित किया था उन सब को उन्होंने परम समाहित बुद्धि से उस सब का श्रवण भी किया था। उस संपूर्ण वृतांत का श्रवण करके उन्होंने एक क्षण तक विचार किया था और फिर परम अधिक कृपा से समन्वित होकर समस्त सिद्धियों के देने वाले त्रिलोक के विजय नाम वाला कवच मुझे उन्होंने प्रदान किया था। उस कवच की सिद्धि पुष्कर तीर्थ में बतलाई थी, अतः मैंने उसको प्राप्त करके भगवान शंकर को प्रणाम किया और मैं फिर उनकी सिद्धि के लिए पुष्कर में समागत हो गया था। वहाँ पर मैंने उस कवच की सिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसे साधित करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर संग्राम भूमि में कार्तवीर का निपातन करके मैं पुनः शिवलोक में गया था और अपनी विजय का संवाद प्रभु को सुना दूं। वहां पर मैंने द्वार पर स्कंद और विनायक को सम अवस्थित देखा। हे धर्म के ज्ञान वाले भगवान, मैंने उन दोनों की सेवा में प्रणाम किया और मैं अंदर प्रवेश करने के लिए समुद्यत हो गया था। उस समय मैं बड़ी शीघ्रता से युक्त होकर अंदर प्रविष्ट होने वाले मुझको देखकर गणेश जी ने रोक दिया था। उन्होंने मुझसे यही कहकर मुझको अंदर प्रवेश करने से ऐसा रोका था कि आज अंदर गमन करने का अवसर नहीं है। हे पिताजी, उस समय में मेरा उन गणेश जी के साथ पहले तो वाग युद्ध अर्थात अच्छी तरह से कहा सुनी होगी थी और फिर हाथों का कर्षण अर्थात मेरा हाथ पकड़कर खींचाता नहीं हुई थी। उस समय में गणेश जी ने यह देखा कि भृगुनंदन अपने परशु का प्रहार करने वाला हो रहा है। उन्होंने ये जानकर मुझको पकड़ लिया था और ऊपर उठाकर नीचे की ओर कर दिया था। गणेश जी ने अपने हाथ से उठाकर अच्छी तरह से ऊपर के अनेक लोकों में घुमाया था और फिर नीचे के लोकों में घुमाकर वहीं पर मुझे लाकर पटक दिया था। फिर मुझको बड़ा भारी क्रोध आ गया था और मैंने अपने कुठार उनके ऊपर प्रक्षिप्त कर दिया था। उस प्रहार से गणेश जी का एक बायां दांत टूटकर भूमि पर गिर गया था। उसी समय महादेव जी वहां पर आ गए थे। उस समय में पार्वती जी ने अपने पुत्र के दांत के टूट जाने की दुर्घटना देखी तो वे बहुत रुष्ट हो गई थी। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण भी आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी को साथ लेकर ही पधारे थे। उनके द्वारा पार्वती जी का अनुभव किया था और फिर पार्वती जगत जननी ने मुझे वरदान प्रदान किया था और भगवान कृष्ण ने हम दोनों की मित्रता कराकर प्रणाम किया था और वहां से वे चले गए थे। इसके अनंतर देवेश्वर पार्वती और परमेश्वर दोनों को सादर प्रणिपात करके मैं अकृत वरण के ही साथ में अपने शिव में उपस्थित हो गया था। विशिष्ट जी ने कहा, हे भूपते, इतना ही संपूर्ण अपना वृतांत कहकर फिर परशुराम चुप हो गए थे। इसके अनंतर महामुनि जमदग्नि ने उन शत्रुओं के विनाश कर देने वाले राम से बोले। जमदग्नि ने कहा, हे राम, आप तो अब समस्त क्षत्रियों की हत्या से अभिभूत हो गए हैं, अर्थात क्षत्रियों के वध की हत्या आपके ऊपर छाई हुई है, अतः अब आप उसकी की हुई हत्या के निवारण करने के लिए यथाविधि प्राश्चित करने के लिए योग्य हैं, अर्थात उसके शोधन के वास्ते शास्त्रोक्त प्राश्चित करना ही चाहिए। इस तरह से कथन करने वाले अपने पिताजी से मतिमानों में श्रेष्ठ राम ने यह प्रार्थना की थी कि उस विशाल वध के शोधन के योग्य जो भी कोई प्राश्चित हो उसको आप ही मुझे निर्देश करने के लिए परम योग्य हैं। तो महामनिंद्र जमदग्नि ने कहा, बहुत से व्रत और नियमों के द्वारा अपने शीर का कर्षण करते हुए केवल वन्य शाखों और मूलों का आहार करने वाले होकर 12 वर्षों तक निरंतर तपश्चर्या का समाचरण करो। जब इस प्रकार से आत्म शोधन के लिए पिताजी के द्वारा कहा गया था तो परशुराम जी ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणिपात किया और फिर अकृत वरण को अपने साथ में लेकर हे राजन वे तपस्या करने के लिए वहां से चले गए थे। वे परशुराम जिन्होंने अपने समस्त शत्रुओं का विनाश करके पूर्णता कर्षण कर दिया था, वे अपनी
देह की शुद्धि के लिए कर्षण करने के वास्ते महेंद्र नामक पर्वत पर गए थे। उस गिरि पर अपना एक आश्रम बनाकर उन्हें वहां पर परम दुश्चर तपस्या की थी। वहां पर राम ने अनेक व्रत तप नियम और देवता के समाराधन के द्वारा उस आश्रम में महान मन वाले भार्गव के ने कुछ वर्ष व्यतीत कर दिए थे, अर्थात ऐसे ही अनेक साधनों को करके बहुत से वर्ष बिता दिए थे।